Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. Here is a book, Grammar Glitter Odyssey, and this is book 2. Today we will learn chapter number 9 and the name of the chapter is Pronouns. So let's start the chapter. Words that are used in place of noun are called pronouns. तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें नाउन की जगह पे लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राहुल प्लेज क्रिकेट. राहुल क्या करता है? क्रिकेट खेलता है. तो राहुल क्या है? एक नाउन. अब राहुल की जगह पे हम एक प्रोनाउन इंसर्ट करते हैं जिसको हम कहेंगे ही. बॉयज के लिए हम यूज करते हैं ही. तो ही प्लेज क्रिकेट. The pronoun you is used for both one and many. तो you जो एक pronoun है इसे हम एक person के लिए भी use करते हैं और ज्यादा के लिए भी use करते हैं. Now some more pronouns are here. Some more examples are given here. Let's read them. First is Mona is a dancer. Mona एक girl है, वो एक dancer है. तो Mona की जगह पे हम she use कर सकते हैं क्योंकि वो एक girl है. तो गर्ल्स के लिए जो प्रोनाउंस यूज होता है वो है शी. एंट इज एन इंसेक्ट. एंट एक इंसेक्ट है क्योंकि वो एक इंसेक्ट है. एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए हम इट यूज करते हैं. तो हमने क्या लिखा? इट इज एन इंसेक्ट. नेक्स्ट इज टॉम एंड आई आर ब्रदर्स. टॉम और मैं, हम दोनों क्या हैं? ब्रदर्स हैं. तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है जिसमें मैं भी हूं और मेरा एक साथी भी है. तो हम ऐसी जगहों पे यूज करते हैं वी. हम दोनों के लिए यूज करेंगे वी. सो वी आर ब्रदर्स. फोर्थ वन, कोमल इज सोनल्स सिस्टर. कोमल कौन है? सोनल की सिस्टर है. तो सोनल के लिए हमने यूज किया यहाँ पे हर. तो गर्ल्स के लिए हम हर भी यूज करते हैं. बट इन बिटवीन शी कब यूज करेंगे? एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में यूज करेंगे. लेकिन हर को हम बीच में या फिर लास्ट में ही यूज करेंगे. नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस फुटबॉल्स आर हियर. बच्चों का फुटबॉल यहाँ पे है. तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए हम यूज करेंगे देयर. सो देयर फुटबॉल आर हियर. तो यहाँ पे बिलोंगिंग की जब बात होती है तो हम देयर लगाते हैं. इसके अलावा दे भी एक प्रोनाउन है जो सामने वालों के लिए या हमारे सामने जो लोग हैं उनके लिए यूज किया जाता है. प्रोनाउंस आर यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन. अब क्यों यूज करें प्रोनाउन? इसलिए कि एक ही नाम को बार बार हर सेंटेंस में रिपीट ना किया जाए, इसलिए प्रोनाउन को हम यूज करते हैं. They make sentences short. ये sentences को छोटे कर देते हैं. चलिए, let's do the first exercise of this chapter. First exercise, exercise says, color all the coins with pronouns on them. तो उन सारे coins को हमें color करना है जिनमें आपको pronoun दिखाई दे रहे हैं. तो चलिए देखते हैं. पहला है Sam. तो Sam तो एक नाम है, एक नेमिंग वर्ड है, ये प्रोनाउन नहीं है. नेक्स्ट है हर. तो हर एक प्रोनाउन है. नेक्स्ट वर्ड इज अमित, ये भी एक नाउन है. नेक्स्ट इज सैफ, ये भी एक नेमिंग वर्ड है. नेक्स्ट इज हिम, इसे हम करेंगे सर्कल क्योंकि ये है प्रोनाउन. नेक्स्ट इज राम, दिस इज अ नेमिंग वर्ड. नेक्स्ट इज ही भी एक प्रोनाउन है. आई भी एक प्रोनाउन है. इट भी एक प्रोनाउन है. दे अभी मैंने बताया था, ये भी एक प्रोनाउन है. नेक्स्ट इज पूजा. पूजा तो एक नेमिंग वर्ड है, ये प्रोनाउन नहीं है. देम भी एक प्रोनाउन है. यू भी एक प्रोनाउन है. टीना भी एक गर्ल का नाम है, तो ये एक नेमिंग वर्ड है. योर्स, और योर्स भी एक प्रोनाउन है.
So these are the pronouns. Now let's move on to B exercise. Fill in the blanks with the correct pronouns. So यहाँ पे correct pronouns से हमें fill करना इन blanks को. Dash are engineers. अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे engineers की बात हो रही है, तो he तो हम एक के लिए use करते हैं, they हम ज्यादा के लिए use करते हैं. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, they are engineers. First letter capital. Dash is a teacher. एक teacher है कौन? It तो हम non living things के लिए use करते हैं, animals के लिए use करते हैं. क्या वो teacher हो सकते हैं? No. तो क्या आएगा? She is a teacher. Next, dash is an apple. Dash apple है. क्या apple क्या है? Thing है या she है? तो ये आएगा it is an apple. Fourth one, dash is a rainy day. Rainy day है, day की बात हो रही है, non living thing की. तो हम लिखेंगे it is a rainy day. Fifth one, dash is a doctor. Doctor she हो सकती है या it हो सकते हैं? She. So हम लिखेंगे she is a doctor. Next, dash is my best friend. मेरा best friend है कौन? एक friend की बात हो रही है, ज्यादा friend की बात हो रही है? एक की बात हो रही है. तो they लिखेंगे या he? He. So he is my best friend. Dash is funny. Funny क्या हो सकता है, he या they? अब क्योंकि यहाँ पे is लिखा हुआ है, is मतलब एक, तो he is funny. Next is dash are animals. बहुत सारे animals की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा they are animals. Next, dash are players. Players हैं, बहुत सारे players. तो अगेन यहाँ पे आएगा we means बहुत सारे, plural. Tenth one, dash is an ant. ये एक ant है, तो it is an ant. चीटी है, तो चीटी के लिए it लिखेंगे. So these are the pronouns that we have to fill here. You, he, she, they, we, it and I are pronouns. ये जो words यहाँ लिखे हैं, ये सारे words क्या हैं? Pronouns. Now let's move on to C exercise. Rewrite the following sentences using pronoun. So Pinku is riding a bicycle and Pinku loves it. अब दो बार Pinku आ रहा है, एक बार Pinku को हटाना पड़ेगा, change करना पड़ेगा. तो Pinku को bicycle चलाना अच्छा लगता है. जब दोबारा Pinku आ रहा है, उसे हटा के हम लिख देंगे he loves it. Clear children? Next है second. Malik draws a painting. Malik painting draw करता है. Malik likes to do it. Malik को ऐसा करना अच्छा लगता है. तो again Malik के लिए हम लिखेंगे he. तो he likes to do it. ऐसे आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे. I went with my parents. मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई. My parents visited the fort. मेरे पेरेंट्स फोर्ट गए. तो दोनों सेंटेंस में पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उन्हें जो है my parents को हटा के लिख देंगे दे, क्योंकि पेरेंट्स मतलब दो लोग, मम्मी पापा, दोनों को मिला के बनते हैं पेरेंट्स. तो दो के लिए लिखेंगे दे. I have a toy train. मेरे पास एक टॉय ट्रेन है. अब टॉय ट्रेन के बाद आगे क्या लिखा है, द टॉय ट्रेन इज रेड इन कलर. तो इसी टॉय ट्रेन की दोबारा बात हो रही है, तो हमने इसे अंडरलाइन किया. जो मैंने अंडरलाइन किया उसको हटा देना है, उसकी जगह लिखना है इट इज रेड इन कलर, फुल स्टॉप. फिफ्थ वन, I drew a picture. मैंने एक पिक्चर बनाई. I gave the picture to my sister. मैंने उस पिक्चर को अपनी बहन को दे दिया. तो इसी पिक्चर की बात दो बार आ रही है. I की बात भी दो बार आ रही है. So I drew a picture and I gave the picture to my sister. तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे, पिक्चर की जगह पे हम लिखेंगे it. So I gave it to my sister. मैंने एक पिक्चर बनाई और मैंने उसे अपनी बहन को दे दिया, गिफ्ट कर दिया. Now let's move on to the exercise.
राइट सूटेबल प्रोनाउंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए इनके लिए हमें प्रोनाउन लिखने हैं. तो माय सिस्टर के नाम क्या लिखेंगे, शी. आवर कार के लिए लिखेंगे इट. माय मॉम के लिए भी शी. एंड द बलून्स के लिए लिखेंगे दे, क्योंकि बहुत सारे बलून्स हैं. टॉम एंड आई, अपने और अपने फ्रेंड के लिए लिखेंगे हम वी. राकेश एक बॉय है, उसके लिए लिखेंगे ही. माय फैमिली मींस दे, और माय बाइक मींस इट. सो दीज आर द प्रोनाउंस दैट वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ दीज नाउंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ई एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट words. So first one is dash are supposed to serve your country. तो हमारी कंट्री की रक्षा करनी है. Your country है तो you आएगा. You are supposed to serve your country. अपनी कंट्री का ध्यान रखना तुम्हारा काम है. Dash play cricket in the big playground. So, बड़े से प्लेग्राउंड में क्रिकेट क्या आप अकेले खेलोगे? नो. सो क्या आएगा, वी प्ले क्रिकेट इन द बिग प्लेग्राउंड. थर्ड वन, डैश हैव द बेस्ट फुटबॉल टीम इन टाउन. बेस्ट गुड फुटबॉल टीम है किसके पास, हैव लिखा है मीन्स ज्यादा लोग. सो दे हैव द बेस्ट फुटबॉल टीम इन द टाउन. फोर्थ वन, निखिल टोल्ड मिस्टर सिंह लिव ऑन ऑर्चर्ड रोड. सो यहाँ पे निखिल ने मिस्टर सिंह से बताया कौन रहता है ऑर्चर्ड रोड पे, निखिल रहता है. तो आप लिख सकते हैं आई. निखिल टोल्ड मिस्टर सिंह आई लिव ऑन ऑर्चर्ड रोड. फिफ्थ वन, मिस्टर खन्ना इज द स्पोर्ट्स टीचर इन आर स्कूल. मिस्टर खन्ना क्या है, स्पोर्ट्स टीचर है हमारे स्कूल में. डैश इज अ गुड टीचर, क्योंकि यहाँ मिस्टर खन्ना की बात हो रही जो कि एक बॉय है, तो उनके लिए हम लिखेंगे ही. सो ही इज अ गुड टीचर. नाउ लेट्स लर्न सम पोलाइट वर्ड्स. सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रॉपर एटिकेट एंड गुड मैनर्स बिगिंस विद द पोलाइट वर्ड्स. तो आपके अंदर कितने एटिकेट्स हैं, कितने गुड मैनर्स हैं, ये कैसे पता चलेगा, आप कितने पोलाइट वर्ड्स आते हैं, आप उन्हें कितना ज्यादा यूज करते हैं. तो कौन कौन से पोलाइट वर्ड्स हैं, प्लीज, थैंक यू, यू आर वेलकम एंड आई एम सॉरी. तो ये हैं फोर पोलाइट वर्ड्स. दीज आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस that should be taught to children from an early age. So, ye jo words hain, please, thank you, you are welcome and I am sorry. Ye charo jo polite words hain, hame bachpan se hi seekhne chahiye. Say sorry after you do something wrong. Sorry kab kehna hai, agar aap se koi galti ho gayi. Say thank you when someone does good for you. Thank you tab bolo, jab aapke liye koi kuch achha kare. Say please while making a request. अगर आपको किसी से कुछ request करना है, please can you help me? तो please बोले. Say excuse me to catch someone's attention or interruption. तो किसी को आप interrupt कर रहे हो, disturb कर रहे हो, या किसी का attention चाहिए, तो आपको बोलना है excuse me. Now let's do this exercise. Look, there are फोर पोलाइट वर्ड्स इन द वर्ड बॉक्स. तो वर्ड बॉक्स में फोर पोलाइट वर्ड्स हैं. रीड देम अलाउड, राइट द करेक्ट पोलाइट वर्ड टू मैच ईच सिचुएशन. तो हर सिचुएशन में आपको कौन सा पोलाइट वर्ड चाहिए वो लिखना है. तो पहला है, आप देख सकते हो गर्ल है जो बॉय को टॉफी दे रही है, तो आपने क्या बोला, थैंक यू. नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक बच्चा है जिससे कुछ सामान टूट गया है, अब क्योंकि उससे गलती हुई तो उसे क्या बोलना चाहिए, सॉरी. नेक्स्ट, यहाँ पे गर्ल है, उसे जो है
इनसे कुछ हेल्प चाहिए तो वो क्या बोलेंगी, प्लीज। एंड अगेन यहाँ पे ये गर्ल है, यहाँ पे एक बॉय है, बॉय जा रहा है अपने रास्ते में और गर्ल को इससे कुछ बात करनी है, तो बात करने के लिए गर्ल उससे क्या कहेगी बॉय से, एक्सक्यूज मी। जैसे वो बोलेगी ऐसा तो बॉय देखेगा कि कोई मुझे बुला रहा है, तो एक्सक्यूज मी से ही वो उस बॉय को बुलाएगी। सो दीज आर पोलाइट वर्ड्स दैट वी हैव रिटन। सो चिल्ड्रन विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आई विल बी वेटिंग फॉर यू विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।